मुख्यमंत्री किसान ऋण माफी योजना में खुल रही है भ्रष्टाचार की पोल। धार जिले की मनावर तहसील की आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित अजंदा का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। समिति मैनेजर जगदीश चंद्र कुमावत उर्फ जगदीश चंद्र डकलेचा कर रहा है किसानों के साथ धोखाधड़ी। उन व्यक्तियों के नाम से फर्जी लोन निकाला जिनके नाम जमीन ही नहीं है। ध्यान से देखिए इस मैनेजर को जिसने करोड़ों की संपत्ति बनाई है। इसने फर्जी किसानों के नाम से करोड़ों का निकाला है लोन। एक ही समिति में वर्षों से जमा हुआ यह शख्स जगदीश चंद्र कुमावत उर्फ डकलेचा एक धोखेबाज और जालसाज इंसान है। इस प्रबंधक ने बिना जमीन के ही केवल कागजों पर बनाया किसान और करोड़ों के फर्जी लोन निकाल लिए हैं। देखिए इस शख्स को, इस प्रबंधक के चेहरे और रहन सहन पर मत जाइए। इसी ने पूरे गांव में जालसाजी का धंधा फैला रखा है। इसके परिवार ने डर और आतंक का माहौल बना रखा है। इस जगदीश चंद्र कुमावत का ही डर है कि शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत वापस लेने की बात भी कही है। कामकाज में मक्कार और घोर लापरवाह इस इंसान ने समिति को अपनी जागीर और निजी दुकान बना रखा है। कानून का डर इस इंसान को है ही नहीं। भ्रष्टाचार को अपनी नीति बनाकर पिछले 10 सालों से करोड़ों का गबन कर चुका है। क्या इसके भ्रष्टाचार में इसके परिवार और रिश्तेदार भी है शामिल? कौन कौन रिश्तेदार भी जाएंगे जेल और कौन कौन रिश्तेदार इसके पैसे लेने में हो गए हैं फेल? करोड़ों के भ्रष्टाचारी के परिवार और रिश्तेदारों ने क्यों दे रखी है मौन सहमति? क्या इस समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी है गुनहगार? जगदीश चंद्र कुमावत के स्टाफ में क्यों छाई है चुप्पी? आय से कई गुना अधिक संपत्ति रखने वाले इस शख्स ने किसानों की आंखों में धूल झोंक रखी है। शिकायतकर्ता क्यों कहते हैं इसे चोर? क्या धार जिले का विजय माल्या होगा फरार? कब होगा किसानों के साथ न्याय, कब होगा इंसाफ और कब होगा जगदीश चंद्र कुमावत के भ्रष्टाचार का अंत? तो इंतजार कीजिए और देखते रहिए हमारा एपिसोड। नमस्कार।